छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, जिनकी अगुवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने की। और तेजस्वी की अगुवाई में प्रदेश भर से जुटे कार्यकर्ता बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने सीएम आवास की तरफ निकल पड़े, जिन्हें रोकने के लिए रायपुर की सड़कों को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। वहाँ लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाने के साथ ही टेंट शेड की एक दीवार खड़ी की गयी, लेकिन जोश से लबरेज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर टेंट शेड की दीवार को गिरा दिया। इसके बाद वो लोग आगे बढ़े और लोहे के बैरिकेड्स को भी तहस नहस कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, जिसे पूरा न करने पर ये प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ बीजेपी के इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर नजर आई तो उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई।